अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की रहमत और फजल करम से तमाम दोस्त खैर वाफियत से ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में मिनी ट्रक के साथ सब्ज़ी मंडी से बाहर निकल रहे हैं, माल की तलाश में अड्डे की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं क्या माल मिलता है और कितना किराया होता है और किस जगह जाना है। आइए आपको भी दिखाते हैं। उस्ताद भी लोधना से ही ताल्लुक रखते हैं तो इसलिए वहाँ की बता रहे हैं कि पड़ोसी, और बेसिकली हम भी लोधना से ही हैं। सराबगोट सब्ज़ी मंडी, अच्छे माल के इंतज़ार में कई बार तो कई कई दिन तक इंतज़ार भी करना पड़ता है। अड्डे पे खड़ी रहती गाड़ी ताकि अच्छा किराया मिल जाए, कम वज़न हो तो इसलिए, और कई बार फौरन भी मिल जाता है। देखते हैं आज कैसा होता है, क्या होता है, जो भी होता है फिर आपको भी दिखाते हैं। गाड़ी का कारोबार ये काम ऐसा रिस्की काम है, ये अगर चल जाए तो फिर बंदा नवाब बन जाता है, अगर खुदा ना खास्ता किसी गरीब को लड़ जाए तो फिर सारी ज़िंदगी गाड़ी का नाम भी नहीं लेता। अल्लाह ताला सब के साथ खैरियत का मामला फरमाए, लेकिन जो भी शुरू करता है वो अच्छी उम्मीदें और अच्छी दुआ करके ही, अल्लाह के अल्लाह से खैर की उम्मीद रख के ही शुरू करता है। अल्लाह ताला खैरियत का मामला फरमाए। अगर गाड़ी अपनी जाती हो तो इतनी टेंशन नहीं बनती है, अगर किसी गरीब ने किस्तों पर गाड़ी ली हो तो उसके लिए ज़्यादा परेशानी का बाइस बनती है, क्योंकि इसके अखराजात भी इतने ज़्यादा है। गाड़ी जितनी महंगी उसके स्पेयर पार्ट और ये चलती चीज़ तो ठीक है, जब ख़राब हो जाए तो उसी हिसाब से पैसे खाती है, फिर तो उसके लिए टेंशन बन जाती है कि उसने किस्तें भी उतार, निज़ाम भी चलाना है और गाड़ी पर भी खर्चा करना है। लंच का टाइम करीब है तो साथ पूछ रहा है खाने खाने के बारे में, तो अड्डे पे चलते हैं तो फिर खाने खाने का टाइम भी होगा। फिलहाल तो यहाँ मंडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये मेन गेट पे पहुँच गए हैं। ये नई सब्जी मंडी का मेन गेट है, अच्छा कितनी दूर है? जमाली साइड पे अड्डा जिस पे से पेटी पकड़ी। ये जी एग्जिट हो गए हैं सब्जी मंडी से बाहर। हाईवे जो कि कराची से जा रही है फिर हैदराबाद और उससे आगे फिर पंजाब, जहाँ भी चले जाओ। सड़क के बीच में भी जगह जगह ये सोलर वाली लाइटें लगाई हुई हैं, दिन में सोलर से चार जो रात को फिर चलती हैं, ये तो काफ़ी बेहतर किया हुआ है। ये सारा सब्जी मंडी का एरिया है बिस्मिल्लाह मार्केट, क्योंकि कोई आलू आलू प्याज वाला गेट है बनाया हुआ, उधर से आलू प्याज की गाड़ियाँ इंटर होती हैं, कोई दूसरी सब्जियों वाला है इस तरह। ये भी उसी का सब्जी मंडी का ही गेट है लेकिन ये दूसरी साइड है। Thank you.
हमसे राय ले रहे हैं उस्ताद जी कहाँ खड़ी करें, उन्होंने कहा जहाँ अच्छा लगता है आपको, ज़्यादा तजर्बा वहीं खड़ी कर दो। ये रिवर्स हो रही है, लगा ये पीछे ईटे वगैरह लगा देगा जो भी है, ताकि किसी सूरत में आगे पीछे ना हिले गाड़ी। काफी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इतना टाइम लग रहा है गाड़ियों का। जो भी माल मिलेगा यहीं से रब्ता करके उसी कंपनी में या उसी अड्डे पे जो भी जहाँ भी होगा फिर चले जाएंगे। वही साइड से गेट खोलिए, शीशे मैंने चढ़ा दिया। अच्छा जी, उस साइड से गेट खोल भाई। हाँ उस्ताद जी, हम ब्रेक, चलो जी ब्रेक लागे हम नीचे चलते हैं। गाड़ी लगा दी है इधर अड्डे पे सब्जी मंडी के बाहर साइड में खड़ी कर दी। अब देखते हैं जाके लंच का टाइम है तो लंच करते हैं, या फिर माल का सिस्टम बनता है तो माल। शीशे वगैरह चढ़ा के ऊपर, शीशे दोनों साइड से चढ़ा के चलो बंद करते हैं इसको, गाड़ी को नीचे उतरते हैं। ये है जी T4100 मज़दा मिनी ट्रक, ये हमारी गाड़ी है। बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह, कंटेनर, ये वो हर तरह की गाड़ियाँ इधर। ये सिर्फ मज़दा और मिनी ट्रक का अड्डा है, तो आगे फिर दूसरे भी हैं। ये भी सब्ज़ी मंडी का गेट है जी, दो तीन गेट तो जा चुके हैं, काफ़ी वसी और इस रकबे पे ये सब्ज़ी मंडी। उस्ताद बता रहे कि ये भी वही सब्ज़ी मंडी है जहाँ से हम आए हैं काफ़ी चल के। ये बाहर मार्केट बनाई हुई है मेन पे, ये पीछे ये गाड़ियों का खड़ी करने का अड्डा वगैरह है फ्रंट पे, अंदर जाके सब्ज़ी मंडी है और पीछे ये गाड़ियों से नेशनल हाईवे है। ये खाने के बाद अब अड्डे पे आ गए हैं। ये नीचे जो ऑफिस वगैरह जो बने हुए हैं ये अड्डे हैं, यहाँ से माल मिलता है। वो बताते हैं कि इतना माल है, इतना वज़न है, इतना किराया, फलां शहर से फलां शहर, सारी डिटेल ये दे देते हैं। अगर बारे में आता है तो बंदा यस करके अपना उठा लेता है, एग्रीमेंट जो भी होता है। उस्ताद माल का पता करने के लिए गए हुए हैं। क्या हो गया उस्ताद जी, क्या चेक कर रहे हो? ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।